हाय दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चल पर, जहां आप पाते हैं दवाई और बीमारियों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आज जानेंगे बीटा मेथासोन के बारे में। जैसे बीटा मेथासोन क्या है, मार्केट में किस किस फॉर्म में मिल जाता है, इसके डोज और साइड इफेक्ट की पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बीटा मेथासोन कार्टिकोस्टेरॉइड नामक दवाओं के समूह में से संबंध रखता है, जो सूजन रोधी और प्रतिरक्षा तंत्र को दबाने का काम करता है। यह एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। केमिकलों को कम करके परवर्ती चरणी एलर्जिक प्रक्रियाओं की रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर बीटा मेथासोन का इस्तेमाल कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शन जैसे एक्जिमा, सोराइसिस या एलर्जिक रिएक्शन के उपचार में होता है। यह सूजन, खुजली, लालिमा को कम करती है जो उपरोक्त एलर्जिक रिएक्शंस में पैदा होते हैं। यह बाजार में बीटा मेथासोन के तौर पर उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे बीटा मेथासोन मार्केट में किस किस फॉर्म में मिल जाता है। बीटा मेथासोन आम रूप से कई तरह में जैसे गोलियाँ, सीरप, टॉपिकल क्रीम, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। बीटा मेथासोन लोशन USP 0.5% में ही मिल जाता है। बीटा मेथासोन ड्राइप्रोनेट क्रीम के रूप में 0.5% में ही मिल जाता है। बीटा मेथासोन की क्रीम, जेल, बीटा मेथासोन लोशन, बीटा मेथासोन मरहम, बीटा मेथासोन के स्प्रे और फॉर्म के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं, जैसे भी ज़रूरत हो, टैबलेट, सिरप या ड्रॉप, किसी भी तरह से ये मार्केट में उपलब्ध है। आप किसी भी तरह इसको जैसी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे बीटा मेथासोन यूज़ और बेनिफिट के बारे में। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? एलर्जी और सूजन के लिए, एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जॉइंट के इन्फ्लामेशन में इसका यूज़ किया जाता है बीटा मेथासोन का। आई इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाता है। स्किन डिसऑर्डर किसी भी प्रकार का हो उसके लिए बीटा मेथासोन का यूज़ किया जाता है। बीटा मेथासोन का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के रूमेटिक विकारों में, रूमेटिक डिसऑर्डर जैसे एरिथ्रेट्स, रूमेटाइड, अर्थराइटिस के इलाज में भी किया जाता है। यह सोराइसिस और डर्मेटाइटिस जैसी विभिन्न स्किन डिसीज, एंजियोएडेमा और अस्थमा, एलर्जी की स्थिति और रक्त विकार में भी इसका उपयोग किया जाता है। आंख और त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए भी बीटा मेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। बीटा मेथासोन दवा में ग्लूकोकार्टिकॉइड वर्ग की दवा है या स्टेरॉइड के रूप में काम करती है। बीटा मेथासोन के जरिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रोहन रोग और ल्यूकेमिया का इलाज भी किया जाता है। यह बाजार में टैबलेट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यह बाजार में टैबलेट, इंजेक्शन और क्रीम तीनों फॉर्म में, ड्रॉप में भी ये मिल जाता है। कार्टिकोस्टेरॉइड होने के कारण यह सूजन को कम करने और शरीर में इम्यून रिस्पांस को ठीक करने का काम करती है। बीटा मेथासोन के बहुत सारे और भी जगह यूज होते हैं, डॉक्टर अपने आवश्यकता और एक्सपीरियंस के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे बीटा मेथासोन काम कैसे करता है। बीटा मेथासोन एक शक्तिशाली ग्लूकोकार्टिकॉइड है। यह ग्लूकोसाइट्स के माइग्रेशन को रोककर सूजन को कम करता है, साथ ही कोशिकाओं को की परंपरागत को कम करता है। इसके अलावा यह सूजन के लिए जिम्मेदार प्रोस्टाग्लैंड्स और अन्य मध्यस्थों को रोक देता है, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों आगे बात करेंगे बीटा मेथासोन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। ब्लड विजन इसका साइड इफेक्ट है। इंक्रीज्ड एपेटाइट, इससे आपको भूख नहीं लगेगी अगर इसका साइड इफेक्ट। इंडाइजेशन आपको हो सकता है और एंजाइटी एंड नर्वसनेस हो सकती है आपको। स्किन इचिंग हो सकती है आपको। ड्राइंग एंड क्रैकिंग ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा का सूखना और क्रैक, टूटने टाइप के वो देखने को आपको मिल सकते हैं। एक्ने देखने को आपको मिल सकते हैं इसके साइड इफेक्ट में। चेंज इन स्किन कलर, आपकी त्वचा के रंग में बदलाव हो सकता है। और प्रिसिस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि लगातार संक्रमण बढ़ सकता है इससे आपका। इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो सकते हैं आपके, और डिप्रेशन हो सकता है आपको।
बच्चों में ग्रोथ को रोक सकता है बीटा मेथासोन का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करते हैं। हॉर्नेस ऑफ वॉइस, आवाज़ की कर्कशता होती है उसको कम कर सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं, आप बगैर डॉक्टर के अनुसार सलाह के अनुसार इसको अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा समय तक ना लें। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं बीटा मेथासोन के प्रिकॉशन, इसे लेने से आपको बीटा मेथासोन लेने से आपको कब बचना चाहिए। यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपको बीटा मेथासोन लेने से बचना है। अगर आपको हार्ट या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बीटा मेथासोन लेने से बचना चाहिए। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको बीटा मेथासोन लेने से बचना चाहिए। अगर आपको शुगर या ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है तो आपको बीटा मेथासोन लेने से बचना चाहिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो भी आपको बीटा मेथासोन अपने अनुसार नहीं लेना, अगर लेना भी है तो डॉक्टर के अनुसार लेना है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको नहीं लेना है। एक पोस्टोमेनोपॉजल जो महिलाओं में समस्या होती है उनको भी नहीं लेना है। अगर आप प्रॉब्लम है पेट में अल्सर हो रहा है तो भी इसको नहीं लेना है। अगर आपको मानसिक रोगी है, अगर आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो आपको बीटा मेथासोन नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी में बीटा मेथासोन को डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अगर आपको कोई भयंकर संक्रामक बीमारी है तो आपको बीटा मेथासोन लेने से बचना है। रक्त के थक्के अगर आपको जमते हैं तो आपको बीटा मेथासोन नहीं लेना है। टीकाकरण अगर आपका हो रहा है, किसी भी तरह के आपको टीके लग रहे हैं तो डॉक्टर के अनुसार ही आप बीटा मेथासोन को लें, अपने अनुसार नहीं लें, नहीं तो आपको भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज मैंने बताया आपको बीटा मेथासोन के बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं आगे किसी और अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।